नमस्कार, द क्रिकेट वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और मैं हूं कृष्णा सिंह। तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 में एक बार फिर तैयार हो जाइए आज होने वाले मुकाबले के लिए, क्योंकि भारत के महामुकाबले में इसी कड़ी में आज भारत भिड़ने जा रहा है इंग्लैंड की टीम से। आज फिर भारतीय शेरों की दहाड़ सुनाई देगी, रोहित और कोहली का बल्ला एक बार फिर से आग उगलेगा और ब्लू टीम की आंधी के सामने एक बार फिर विरोधी टीम धराशायी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास सेगमेंट द क्रिकेट वॉर। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज भारत की भिड़ंत होने जा रही है पिछली डिफेंडिंग टीम इंग्लैंड के साथ, जो कि इस वर्ल्ड कप में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई है। लेकिन लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आज दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ठीक 2 बजे से इस महासंग्राम की शुरुआत हो जाएगी। 1:30 बजे आज टॉस होगा और 2 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। तो बता दें आपको कि रोहित की ये ब्लू ब्रिगेड, जिसका विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है और आज एक बार फिर इंग्लैंड की टीम को परास्त करने के लिए रोहित की टीम तैयार है। 5 में से 4 मैचेस डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि इंग्लैंड की टीम गवा चुकी है। केवल 1 मैच अभी तक उसने जीता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के हौसले आज बुलंद हैं, क्योंकि वो अभी तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं सभी में एक बड़ी बढ़त बनाए हुए है, बड़ी जीत उसने हासिल की है। दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि आज भी कई VIPs स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज होने वाले मुकाबले को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर पहुंच सकती हैं और सचिन तेंदुलकर भी आज अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए, टीम को सपोर्ट करने के लिए कान्हा स्टेडियम में पहुंचेंगे। तो आज का मुकाबला बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भारत का विजय रथ लगातार बढ़ रहा है और अभी तक अजेय साबित हुआ है। लेकिन आज का मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ है, तो आज कहते हैं ना, जब किसी के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता जया, तो वो एकदम अलग रूप में आता है। तो आज इंग्लैंड, जो कि पिछले 4 मुकाबले हार चुका है, 1 ही मुकाबला जीत पाया है अभी तक, तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ अलग करने की कोशिश करेगा भारत के खिलाफ। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि आज टक्कर का मैच होने वाला है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा। एक तरफ इंग्लैंड की टीम, जो कि इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 मैच जीती है, भूखे शेर की तरह है वो इस वक्त, घायल शेर की तरह है। दूसरी तरफ इंडियन टीम है, जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में 1 भी मैच नहीं हारी है। तो आज होने वाले मैच में वो इंग्लैंड की टीम को परास्त करेगी और 20 साल का जो सूखा है, 20 साल का सूखा उसे खत्म भी किया जाएगा, क्योंकि 20 साल से भारतीय टीम को इंतजार है इंग्लैंड की टीम को वर्ल्ड कप में हराने का, और वो बदला आज टीम इंडिया लेने वाली है। हमारे साथ इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट दिलीप काफसर जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए, और इसके साथ ही हमारे लखनऊ से संवाददाता आलोक जी भी, विशेष संवाददाता इस वक्त आलोक जी जुड़ गए हैं, क्योंकि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आज मैच होने वाला है। तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और इसके साथ ही जो फैंस है, क्रिकेट फैंस, वो कितने एक्साइटेड है, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं, उसके बाद काफसर जी का रुख करेंगे। आलोक जी, बहुत से क्रिकेट फैंस, नन्हे से फैंस और इसके साथ ही तमाम जो खिलाड़ी है वो भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं, जरा बात करिए, भारतीय टीम का विजय रथ आज भी आगे बढ़ेगा और कितने एक्साइटेड है ये आज होने वाले मैच के लिए? आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बात करने की एक बार फिर से, चलिए ठीक है जी। आलोक जी, चलिए फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफसर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। काफसर जी, क्या कहेंगे सर आज होने वाले मैच के लिए, ओपनिंग रिमार्क आपका क्या रहेगा, और 20 साल से इंतजार भारतीय टीम कर रही है वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, 2003 में ही आखिरी जीत भारतीय टीम को मिली थी और उसके बाद से ही लगातार इंतजार इंग्लैंड की टीम को हराने का, क्या लगता है सर आज के मैच को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत बुलंद हौसलों के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी, क्योंकि जिस तरह से इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अभी तक अनडिफिकेटेड है इंडियन टीम, और इंग्लिश टीम के साथ बिल्कुल वर्ल्ड कप में जो बहुत लंबे समय से 20 साल से किसी तरह का मुकाबला हमारे बीच नहीं हुआ था, 2011 का जो मैच हमने खेला था वो जो मैच है वो ड्रॉ हो गया था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 20 सालों से हमने इंग्लैंड को परास्त नहीं किया है। 20 साल पहले 2003 में आशीष नेहरा ने जब वो स्पेल डाला था 6 विकेट का, वो कमाल का स्पेल था। आज भी क्रिकेट फैंस उसे भूले नहीं होंगे, जिस तरह से लहराती गेंदें उन्होंने फेंकी थी इंग्लिश बल्लेबाजों को और
छह विकेट चटकाए थे। तो आज लखनऊ के मैदान पे भी कुछ भारतीय टीम इसी तरह करने का सोचेगी, इंग्लैंड को परास्त करने की सोचेगी और अनडिफिटेड रहते हुए टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अनडिफिटेड टीमें जो होती है जया उनका एक अपना आत्मविश्वास होता है और वो तगड़ी कंटेंडर बनती है और दूसरी टीमें जो है उनको लेकर फिर थोड़ी सचेत रहती है। जया, तो दिलीप आज क्या लगता है कि डिफेंडिंग चैंपियन जो अब तक कुछ कमाल नहीं दिखा पाई है इस वर्ल्ड कप में, आज कुछ कमाल दिखाएगी और टक्कर देगी भारत को या फिर भारत एक तरफा मैच जीतेगा? जिस तरह इंग्लैंड के पिछले मैचेस बीते हैं उस तरह से बहुत ज्यादा होप इंग्लैंड को लेकर नहीं की जा सकती। वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी परफेक्ट टीम पाने को, परफेक्ट परफॉर्मेंस देने को। उनके सबसे जो रीड माने जाते हैं बल्लेबाजी के जो रूट, वो जो है पिछले तीन मैचेस में कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। शुरुआत में जरूर उन्होंने कुछ अच्छे रन किए थे, रूट के न चलने से उनका मध्यक्रम जो है वो पूरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है और रूट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बेन स्टोक्स संन्यास के बाद वापस आए, शुरुआती कुछ मैच खेले नहीं और जो खेले उसमें भी उस तरह से कमाल दिखा नहीं पाए। ये टीम बहुत स्ट्रगल कर रही है, एक तो उम्रदराज प्लेयर है इनमें और 2019 का जो चैंपियन तो है 2019 के, लेकिन स्टिल वो लोग उस जो चार्म था उनका, जो मैजिक था उस वर्ल्ड कप में हमने देखा था, वो मिसिंग है यहाँ एशिया की पिचेस पे आके। और मुझे समझता है कहीं ना कहीं जो कम वनडे मैचेस 2019 के बाद बिल्कुल और देखना होगा कापसे जी कि आज होने वाले मैच में इंग्लैंड की टीम जो कि एक तरह से बिल्कुल लगभग बाहर हो गई है इस वर्ल्ड कप में, क्या अपनी लाज बचा पाएगी कृष्णा, क्या आज के मैच का रिजल्ट होगा। लेकिन ये तय है कि भारतीय टीम आज होने वाला मैच भी जीतने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो बेहतरीन फॉर्म में इस वक्त चल रहे हैं। और क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ प्रत्यय तिवारी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कापसे जी आप भी बने रहिएगा। प्रत्यय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर एक बार फिर से, और आज फिर भारतीय टीम का मुकाबला होने जा रहा है, विजय रथ आगे बढ़ता रहे इसी तरह से हम उम्मीदें कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, इंग्लैंड की टीम पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन इस बार बहुत खराब हालत, बहुत ज्यादा खराब हालत, और अभी तक केवल एक ही मैच जीत पाई है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं आज के मैच को? ये बिल्कुल, लेके जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था उसके पहले शायद सबको ये उम्मीद रही होगी कि एक सबसे अहम और सबसे बड़े मुकाबलों में से एक ये मुकाबला होगा, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुंचे हैं तब तक इंग्लैंड की परिस्थितियां ऐसी बची है कि शायद अब वो बिल्कुल बाहर के रास्ते को ही देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक ऐसी टीम है इंग्लैंड की और इस तरीके के उनके पास में खिलाड़ी हैं कि अगर वो अपने सही फॉर्म में आए तो वो अपने दिन पर किसी भी टीम को हरा सकते हैं। इसलिए भारत बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहेगा इस समय पे दो पॉइंट्स गंवाने की, क्योंकि अभी भी परिस्थितियां अच्छी है उनकी पॉइंट टेबल पर, लेकिन अभी भी जो एक सेमी फाइनल का जो क्वालिफिकेशन है उस पर ठप्पा अब तक नहीं लग सका है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच है, जैसा कि वर्ल्ड कप का हर ही मैच होता है, और इंग्लैंड को बहुत सारे सुधार करने की अपने खेल में इस समय पर आवश्यकता है, क्योंकि आप उनके कप्तान को देख लें या उनकी गेंदबाजी को देख लें या जिस तरीके का उनका टॉप ऑर्डर है उसमें जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके की उनसे उम्मीद होती है रन बनने की वो अभी तक एक भी मैच में बने नहीं है। प्रत्येक क्या लगता है कि जैसे पिछली बार भी हमारी जो टीम थी वो अजेय रही थी, पिछली बार भी लीग मैचेस में बहुत अच्छा कर रही थी, उसके बाद फिर जैसे इंग्लैंड सामने आई हम मैच को हार गए, चेज नहीं कर पाए उनके दिए गए टारगेट को? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा देखिए ये टीम अगर आप नाम उठा करके पढ़ना चालू करें शुरुआत से ऊपर से नीचे तक, तो एक से बढ़कर एक मैच विनर्स होने के बावजूद भी कभी कभार फॉर्म एक ऐसी चीज होती है जिसपे की क्रिकेट में बहुत चर्चा होती है और उसको कोई भी समझ नहीं पाता है, कोई भी पढ़ नहीं पाता है। इन्हीं खिलाड़ियों ने 2019 में उस तरीके का प्रदर्शन किया था जैसा इंग्लैंड ने किया था, जिसके कारण वो खिताबी भिड़ंत जीता था न्यूजीलैंड से और वर्ल्ड चैंपियन बना था। इन्हीं मुख्य खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप में भी उनको जीत दिलाई थी और व्हाइट बॉल चैंपियंस का जो उनके सामने एक नाम हमेशा लिखा गया है और एक जो बहुत ही सुनहरा एक उनके अध्याय रहा है इंग्लैंड के क्रिकेट में, लेकिन वही खिलाड़ी इस समय पर उठ करके और उभर करके उतना अच्छा नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कप्तान से भी बहुत फर्क पड़ता है, जब आपके कप्तान उस तरीके के फॉर्म में नहीं होते हैं, उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो शायद बाकी टीम के ऊपर भी जाता है। तो निराश जरूर होगी इंग्लैंड, लेकिन अभी भी मैथमेटिकली अगर आप गणित के तौर पर देखें तो वो टीम बाहर नहीं हुई है और इसलिए मुझे लगता है हल्के में लेने की गलती कोई भी उन्हें नहीं करना चाहेगा। हो सकता है कि आज कमबैक कर ले इंग्लैंड की टीम, लेकिन भारतीय टीम भी पूरी तरह से तैयार है। प्रत्यय, बहुत से सवाल हैं जो कि हमें आपसे लेने हैं इस मैच को लेकर, बहुत से सवाल जवाब हम आपसे पूछेंगे। कापसे जी भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक बार फिर से लखनऊ का हम रुख कर लेते हैं, कानस स्टेडियम जहां पर ये मैच होना है। आलोक हमारे साथ संवाददाता, विशेष संवाददाता यहां से जुड़े हैं। आलोक, जल्दी से इन फैंस से बात करिए, क्या उम्मीदें आज भारतीय टीम के साथ और क्या लगता है कि आज भी रोहित का बल्ला बोलेगा और विराट कोहली क्या आज के मैच में शतक लगाएंगे, क्या कह रहे हैं नन्हे फैंस?
देखिए बिल्कुल, लखनऊ में आज भारत और इंग्लैंड के बीच जो क्रिकेट विश्व कप का मुकाबला है होना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लखनऊ में जो है अगर बात की जाए तो रोमांच का माहौल है, उत्साह का माहौल है, और सभी दर्शक जो ज़्यादातर हैं वो चाहते हैं कि भारत आज जीते, क्योंकि अगर भारत 5 मैच जीत चुका है, 6वीं जीत यहाँ पर लेगा तो सेमीफाइनल में पहुँच जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम भी मजबूत है, उसके बल्लेबाज आक्रामक हैं, लेकिन इकाना की जो पिच है वो चेज करने वाली जो भी टीम होगी उसको जो है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है और स्पिनर्स को मदद करेगी, इसको लेकर जो है लगातार बातचीत भी हो रही है। हमारे साथ तमाम क्रिकेटर्स मौजूद हैं, देखिए मेरे पीछे जो क्रिकेट खेलते हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं, इनको क्या लगता है कि आज जो है किसका बल्ला बोलेगा, कौन सी टीम जीतेगी और कैसा ये मैच रहेगा, कैसा मैच रहेगा। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है वर्ल्ड कप का लखनऊ में। जी, आज जैसे हमको पता है इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, तो इंडिया हर मैच जीतती आ रही, तो मैं ये भी चाहूँगा कि आज का मैच जीते। और जैसे उनके बैट्समैन विराट कोहली हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी 50 और 100 लगातार निकल रही, रोहित शर्मा भी अच्छा खेल रहे हैं, तो इंग्लैंड भी अच्छा खेले क्योंकि लास्ट मैच से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, हार के आ रही है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। मे बी मेरा पूरा कॉन्फिडेंस तो इंडिया तरफ है, पर इंग्लैंड भी जीत सकती है आज। देखिए इन्होंने कहा कि इंडिया जीतेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम भी भले ही हार रही है लेकिन जो है उसकी भी अच्छी टीम है, तो उसके भी चांसेस हैं। यहाँ पर और भी बच्चे हैं, हम बात करेंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है वर्ल्ड कप का, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ बस वो मैं इंडिया को सपोर्ट करूँगा, और विराट कोहली भी अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं, तो विराट कोहली साथ वो सबसे पसंदीदा प्लेयर कौन सा है आपका? विराट, विराट कोहली। तो इनका सबसे पसंदीदा प्लेयर विराट कोहली, और भी बच्चे हैं, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? आज का मैच अच्छा रहेगा, इंडिया 5 मैच जीत चुकी है, इस बार भी जीतेगी। इंग्लैंड तो अच्छा खेल नहीं रही है, पर क्या पता इस बार अच्छा खेले, देखा जाएगा क्या होता है आगे, देखा जाएगा क्या होता है। आप क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? जैसे कि इंग्लैंड का इस साल का वर्ल्ड कप ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, तो और इंडिया अपने लगातार सारे मैच जीत चुकी है, तो जैसा मुझको लग रहा है कि आज का मैच भी इंडिया ही जीतेगी, बाकी जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन इंडिया जीतेगी। और आलोक, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कृष्णा कि इंग्लैंड की टीम पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियन है, भले इस वर्ल्ड कप में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो, लेकिन कब टीम वापसी कर ले, बार बार हम यही कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब यहाँ पर क्या हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया आलोक, आप लगातार लेकिन फैन से बात करते रहिएगा। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी बने हुए हैं दिलीप कापसे जी, और इसके साथ ही प्रत्यय तिवारी। लेकिन इनसे बात करने से पहले आज की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या आज भारतीय टीम किसी बदलाव के साथ, जहां तक संभावना है एक आध गेंदबाज को ही भारतीय टीम बदलेगी, बाकी टीम वैसी की वैसी। बता दीजिए कृष्णा। तो कमान रोहित शर्मा, धमाकेदार पारी और धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले रोहित शर्मा के हाथों में है। उसके बाद शुभमन गिल है, विराट कोहली, शतकवीर और श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव जो पिछली बार रनआउट हो गए थे लेकिन एक बार फिर उन्हें मौका दिया जा सकता है, रविंद्र जडेजा जो इस टीम की जान है, मुझे लगता है इस बार फिर लगातार टीम के साथ बने रहेंगे। हाँ, बस एक बदलाव मुझे समझ में आ रहा है अगर इस पूरी टीम में, तो मुझे लगता है कि आज सिराज को कहीं ना कहीं रेस्ट देकर रविचंद्र अश्विन को मौका मिलेगा, क्योंकि इस पिच में कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मदद मिलती है, इसलिए मुझे लगता है कि वो 2 स्पिनर्स या 3 स्पिनर्स के साथ खेलना ज्यादा पसंद करेंगे। और शमी का आप आखिरी मुकाबला देख ही चुके हैं, शानदार विकेट, 5 विकेट लिए उन्होंने, तो शानदार शमी को इस बार भी मौका देंगे। की बात कर रहे थे इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11, ज्यादा बदलाव मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम भी आज करने के साथ उतरेगी, क्योंकि पिछले मैच में भी उसने बदलाव किया था और उसका रिजल्ट उसको नहीं मिला था कृष्णा, तो बता दीजिए जल्दी से। मुझे लगता है लिविंगस्टन की जगह हैरी ब्रुक को जगह मिल सकती है, तो लिविंगस्टन कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं है, हैरी ब्रुक काफी अच्छे हैं भारत के खिलाफ और धीमी पिच पर बहुत अच्छा खेलते हैं, तो मुझे लगता है हैरी ब्रुक को आज बदलाव कर सकते हैं, बाकी तो पहले जैसे ही टीम है। और जॉनी बेयरस्टो जो ओपनिंग करते हैं डेविड मलान के साथ, दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन फिलहाल खास कुछ इंग्लैंड कर नहीं पाई है, तो बस एक ही बदलाव मुझे इसमें भी समझ में आ रहा है। ठीक है, मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं प्रत्यय जी और कापसे जी भी जुड़े हैं, लेकिन प्रत्यय जी के पास मैं पहुंचूंगी। प्रत्यय जी, क्या लगता है आज ज्यादा बदलाव तो वैसे टीम इंडिया करेगी नहीं, हालांकि स्पिनर्स को मदद देने वाली काना की पिच मानी जाती है, तो ऐसे में आर अश्विन को खिला सकती है टीम इंडिया? जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं, आर अश्विन को खेलना चाहिए आज, क्योंकि लखनऊ के पिच का जो मिजाज रहता है आमतौर पर वो मददगार रहता है स्पिनर्स के लिए, और मोहम्मद सिराज अब तक उतना अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा है, एशिया कप में बहुत अच्छे प्रदर्शन करके आए थे लेकिन इस समय पे जो बॉल है सफेद गेंद वो उतनी ज्यादा इस वर्ल्ड कप में हमको स्विंग नहीं देखने को मिली है, जिसने कहीं ना कहीं उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है उसको थोड़ा कमजोर कर दिया। और मोहम्मद शमी जिस तरीके का प्रदर्शन उनका पिछले गेम में रहा, 5 विकेट हॉल के बाद आ रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि टीम उनके साथ बरकरार रहना चाहेगी।
और अगर आर अश्विन की जगह बनती है कहीं पर तो वो सिर्फ मोहम्मद सिराज को ही हटा करके बन सकती है। तो मुझे लगता है कि आर अश्विन को आज आना चाहिए क्योंकि स्पिन एक वो भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर है और तकलीफ बिल्कुल वो दे सकते हैं, खासतौर पे बल्लेबाजों को जो कि फॉर्म में नहीं है इंग्लैंड के, उनके लिए वो बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो क्या सिर्फ दो तेज गेंदबाजों के साथ खेलना सही होगा? हो सकता है थोड़ी तकलीफें हो सकती है क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या भी नहीं है, एक यही इस दुविधा होगी शायद कप्तान रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के सामने, क्या दो फास्ट गेंदबाज के साथ उनको जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का मिजाज है, अगर आप सभी मैचेस अभी तक के लखनऊ पे उठा के देखें, इस आईपीएल इस वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल के भी देखें या अगर जो इंटरनेशनल मैचेस भी वहां पे होते हैं तो स्पिनर्स आमतौर पे वहां पे ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं, इसलिए मुझे लगता है अश्विन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो शार्दुल ठाकुर की जगह अगर किसी की जगह बनती है ऐसे गेम्स में जहां पे आप अपने बैटिंग लाइनअप को भी थोड़ा लंबा करना चाहते हैं, वहां भी अश्विन आपके काम आ सकते हैं, तो शायद उम्मीद है आज के अश्विन को खेलना चाहिए। लेकिन प्रत्यय कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का खामियाजा हम भुगत रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई क्योंकि एक पंथ दो काज दोनों काम करते थे। तो ठीक है, आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ बस, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ और खबरें।